तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? आंटी देख रही है ना, आप बोल रही थी ना मना है। कौन आंटी? तुम्हारी मम्मी। अच्छा अच्छा अंकल, आप भी देख रहे हैं ना, आप भी देख रहे हैं ना कितना इसका नखराम झेलते हैं। मम्मी बोली थी ना कि प्रसाद गरीबों में बांट देने के लिए। हाँ, हम सबसे बड़े गरीब हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज मंगलवार है, तो आज सबसे पहले नहाते हैं, जाके फ्रेश होते हैं और बिना नाश्ता किए हुए जाके हनुमान मंदिर जाते हैं जो कि रास्ते में पड़ती है बालाजी, और वहाँ जाके पूजा करते हैं। आप लोग को एक चीज़ दिखाना भूल गए थे एक्चुअली लास्ट ब्लॉग में आप लोग को कुछ दिखाना भूल गए थे, वो भी दिखाते हैं। अपने बाइक का जो बैक टायर है, जो भी यामा का बाइक होता है उसका बैक टायर थोड़ा सा चौड़ा होता है, देखो उसको चेंज करवाए गिरा। तो इसका जो साइज़ था वो 17.5 mm अप्रॉक्स, यही साइज़ का इसका टायर था। और देखो बरसात में चलना है, पहाड़ पे जाना है, स्लिपरी नहीं, स्लिप नहीं करी, इसके लिए C8 का लगवाएं, थोड़ा सा C8 का ऐसा सुनते हैं हम कि ये सारी चीज़ों में बेस्ट होता है। कॉलेज ड्रेस पहनने के बाद ना शूज़ पहनना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मतलब पूरा एकदम स्ट्रेट दिखने के लिए और थोड़ा सा सारा ड्रेस को ज़्यादा ही फिट करवा लिए थे। मेरा दो पैंट में एक पैंट अल्टरनेट फटता ही रहता है, दूसरे से काम जाना पड़ता है। तो गाइस ये रहा बालाजी मंदिर, जो कि बालाजी में है, प्रसाद ले लिए और ये रहा मंदिर। पहले यहाँ पे जूता चप्पल अपना बाहर में ही उतारना पड़ेगा। यहाँ पे हर मंगलवार और शनिवार को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है, और इसका ये रीज़न है कि उस दिन लंगर होता है। अब थोड़ा कोशिश करेंगे कि जब भी लंगर खाए तो आप श्रम दान दें, मतलब थोड़ा काम भी कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि लंगर खाने के बाद थोड़ा काम करना चाहिए, तो उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आज थोड़ा भक्ति में डूबे हुए हैं, तो आप लोग भी डूब जाओ और भगवान आप लोगों पर भी कृपा बनाए रखें। गुड मॉर्निंग दोस्त। मम्मी बोली थी ना कि प्रसाद गरीबों में बांट देने के लिए। हाँ, हम सबसे बड़े गरीब हैं। लीजिए खाइए। शुक्रिया, प्रणाम कर लीजिए, प्रसाद है। काश हमारे भी कॉलेज में बर्फबारी होता, कितना अच्छा लगता। अच्छा, लॉजिक है इस बात अच्छा, का गर्मी में बर्फबारी कैसे? ठंडे के दिन में, ठंडे के दिन दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, ठंडे के दिन में होता तो अच्छा रहता कि नहीं? ठंडे के दिन में अभी ठंडा है नहीं ना, अभी होता तो अच्छा रहता। सरस्वती माता मेरी दोस्त पे कृपा करो, बल बुद्धि विद्या सब कुछ देना इसको। और गाइस अब हमारा फील्ड वर्क है और हम लोग फावड़ा कुदाल खुरपी चलाने जा रहे हैं। और गाइस इस लड़की से मिलो, ये भी आज मतलब धोखेबाज कह सकते हो। तेरा नाम धोखा रख दूँ, नाराज होगी क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगी। धोखा नहीं नाम रखे, क्यों यार? गलती अच्छा, तुम लोगों की थी। गलती मेरी है, मतलब कुछ भी झूठ बोलो तो गलती इस लड़की की थी। ये जो है ना, इसकी गलती थी। गाइस लास्ट ब्लॉग से पहले मतलब मिड वाला ब्लॉग में ना हम लोग एक ट्रैवल ब्लॉग प्लान किए थे, लेकिन ये लड़की की वजह से। अब मेरे जैसा इंसान सोचो प्रेमनगर से शिवालिक तक आया, लेकिन मैम को लेने के लिए। पांजा भाई कैसा है तू? एकदम बढ़िया भाई। अरे भाई देखो, ये हमारे इंद्रानील पांजा भाई कहाँ गए, कहाँ गए? इधर है पांजा भाई, जो कि कहाँ से है भाई? वेस्ट बंगाल से। मौछी भात भेटो बंगाली, भेटो बंगाली, भात भात खाने लगा बंगाली। मेरा भी बंगला खराब हो गया अभी। अरे तुम, हम बिहारी के साथ रहेगा ना तो इसे भी तुम्हारा बंगला चला जाएगा। बिहारी का एक चीज सबसे मस्त है, पता क्या है? हाँ बताओ। लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा कड़ी अच्छा नहीं लगता है, लिट्टी चोखा बचपन से खा रहे, एकदम बढ़िया है। जो कभी खिलाएंगे खिलाना, ये भी बोला है खिलाएगा मोनू। जिनके भी दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है ना कि देहरादून में गर्मी नहीं रहता, ठंडा रहता, मस्त बर्फ़ वाला मौसम, तो गलतफहमी को हटा दो, जितना ठंडा रहता है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी रहता है। तो हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं ना जो हर मौसम को झेलते हैं, ठंडा गर्मी बसंत जो भी होता है सारा मौसम को। गाइस छोटी सी लड़की छोटी सी पेड़ के नीचे छाया में खड़ी है, हमको भूख लगा है। बहुत बहुत बड़ा ये नौटंकी है गाइस, बिल्कुल इसके बाद तो भरोसा मत करना। सुबह सुबह एकदम दबा के खाइए, पराठा दही दूध ये सब तो मिलता भी नहीं है, मिलता भी नहीं। तो अब हम मौसम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा अपने दिलों और दिमाग और पेटों को थोड़ा तसल्ली देने के लिए कुछ ठंडा सा। दिल और दिमाग और रोज कोल्ड ड्रिंक पीता। आंटी देख रही है ना, आप कोल्ड ड्रिंक पीना मना है। कौन आंटी? तुम्हारी मम्मी। अच्छा अच्छा अंकल, आप भी देख रहे हैं ना, आप भी देख रहे हैं ना कितना इसका नखराम झेलते हैं, डेली का नखरा इसका हमेशा झेलना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं। जो इकलौती दोस्त है तो नखरा तो करेगी। गाइस देखो, हमारा सारा हिसाब किताब यहीं देखती हैं, तो अभी पेमेंट भी यहाँ यही कर रही है।
थैंक यू सो मच पेमेंट करने के लिए हमारे एपी फीस का और साथ में पंजाबी तड़का का। हो गया, कर लिया बकवास। जरा पूरा कॉलेज का सिनेमैटिक लेके दिखाओ। तुम क्यों लेता धूप में, पागल है क्या? ऐसा मत खा लो। हम नहीं खाएंगे, कल से कुछ नहीं खाएं। भुक्कड़ की तरह खा रहा है, बेशर्मी का कोई याद होता है। गाइस कट, ये पार्ट जाएगा नहीं चलेगा। ये पार्ट जाएगा। तुम हमेशा मेरे साथ यही करता है, मेरा सारा पार्ट डाल देता है और अपना कट और एडिट करके डालता है। तेज बन मैं तो सब कुछ डाल देता। मार देंगे ना एक थंब, नाच के गिर जाओगी। गाइस अब छुट्टी हो गया, बट ये स्प्रिंकलर जो चल रहा है ना, एकदम मन कर रहा है यहाँ पे जाके खड़ा हो जाए, एकदम ठंडा ठंडा पानी का वो। यही सब मन ही करेगा, चलो भूख लगा तो वहाँ पे जाए, लेकिन पता नहीं जाएंगे तो लोग वो कर देंगे ना, एलिगेशन लगा देंगे कि खाली पार्क में, मतलब ऐसा न्यूज़पेपर में आएगा एक कॉलेज स्टूडेंट ने खाली पार्क देखा। इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम कि तुम्हारा न्यूज़ आएगा। अरे हम चर्चे में रहते हैं। हाँ ये बात तो है, बहुत ज्यादा चर्चे में रहते हैं और ज्यादा लोग सामने नहीं बोलते हैं, जितना पीछे बोलते हैं। बैक बीचिंग, तुम्हारा इंग्लिश मेरा अच्छा है। बहुत ज्यादा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। ऑफ कोर्स हम आजकल सेलिब्रिटी वाला फील दे रहे हैं। पहले इधर बाइक करते थे, पार्क करते थे क्योंकि सुबह इधर छांव होता था, लेकिन अब धूप में करके जाते सुबह, क्योंकि शाम के टाइम पे जो दोपहर का धूप होता है वो मेरा ये देखो ढक देता है टंकी को, जो भी इसका मतलब ये टैंक है ना, पेट्रोल टैंक। इसका दो फायदा होता है, फर्स्ट की गाड़ी ज़्यादा गर्म नहीं होता है सीट ये सब, सेकेंड की यहाँ से जो एवोपरेट होता है पेट्रोल वो कम होता है। तो आप लोग भी हमेशा बाइक छांव में लगाओ, कोशिश करो कि छांव में लगाओ, जिससे कि आपको थोड़ा सा पैसा बच सकता है। अब टाइम शॉपिंग का है और कुरियर स्टोर जो कि कॉलेज के बगल का एक स्टोर है, बहुत ही हर चीज़ मिलता है। जब हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो सारा मतलब जो भी हमारा डेली नीड होता था यहाँ से फुलफिल होता था, मतलब एक कब मतलब कपड़ा से लेके पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब कुछ मिल जाता था, गिफ्ट तक मिल जाता था यहाँ पे से। ये शॉपिंग कर रही है, देखिए आप, आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, मेरे टूथपेस्ट में जहर है। इसलिए आप जहर बोलती हैं? नहीं जहर तो नहीं बोलते हैं, बट अब जैसा भी बोलते हैं लोगों को ये लगता है कि हम एक्स्ट्रा स्वीट बनने का कोशिश करते हैं। तो गाइस मेरा एक ही आप लोगों को मतलब सजेशन है कि ट्रस्ट इन योर सेल्फ, अपने पे भरोसा करो, छोड़ दो लोग क्या बोलते हैं, बातें क्या बोलते हैं जान दो, बाकी ये सारी चीज़ खा के मौज मस्ती करो इनकी तरह। देखो आप सीख सकते हैं उनसे कुछ, कितनी खुश हैं ये। हाँ हंसता हुआ चेहरा के पीछे कुछ ना कुछ गम छिपा होता है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि बुरे वक्त में ना गधा भी जो रहता है ना वो भी अपने आप को शेर समझता है। क्या आपके टूथपेस्ट में साल्ट और नीम है? नहीं, बताइए जहर है, है? देखिए यहाँ पे आपको ये कॉलगेट का साल्ट और नीम वाला फ्लेवर यूज़ कीजिए, आपका दांत क्यों चमकता सफ़ेद दम, क्या कहते हैं उजला कलर का सोना दिखेगा। दांत तो सबका चमकता है आजकल, दिल नहीं चमकता है, दिल्ली सबसे ज़्यादा गंदा महल है, उसके लिए अब कॉलगेट चाहिए। और गाइज हम अपने लिए लिए ये सोना का सिक्का, एक रुपये का दिलाइए सस्ता सा, आइए। भाई थोड़ी देर पहले ही पेट्रोल का बात हुआ कि पेट्रोल कैसे सेव करें छांव में गाड़ी लगा के, और मेरा बाइक रिजर्व हो गया तो बीच रास्ते में ये उत्तरांचल किधर रहा, उससे पहले पेट्रोल पंप जो पड़ती है वहीं पर ले रहे हैं, लेकिन मेरा फेवरेट है नहीं है ये, भरोसा नहीं है तो कम का ही लेंगे, एक लीटर ही रिजर्व से नॉर्मल मोड में आ जाए। 109 का डाल देना भैया, 109। एक मिनट भैया, पहले स्कैन कर देते हैं ना, मैं बैटरी लो है, बाद में बोलोगे कि रुक जाए, एक मिनट भैया, हो जा, बैटरी 1% है बस, हो गया भैया चेक कर लो, 109 जल्दी से कर दो, मेरे को तो याद भी नहीं था बैटरी में लो है, किस्मत अच्छा था, हो गया। कट कट कट, कोई है? बोलिए, कुछ खिलाइए पिलाइएगा? नहीं, कड़ी चावल नहीं, मेरा प्यास तो है ही, आगे मिटता है, पानी वानी पिएंगे मस्त सा। क्या खा ले? बरसात में पकोड़ा खाया जाता है, ऐसे ही बना दिए हैं ठंडा में गर्मी में। देखिए देखो ऑफिस वाले लोगों को, अच्छा मेरा सपना देखो, सपना ये है हकीकत ये है, ए राम कब सपना से हकीकत में बदलेगा,
कब बदलेगा? जल्द बदलेगा, जल्द बदलेगा, जल्द तथास्तु बच्चा। अरे आपका आशीर्वाद हमको लग जाए, बदलने वाला है। घर पहुंच गए, बस डर ये होता है कि लाइट कहीं ना गया रहे। बट अंकल के घर पे कूलर चल रहा है, कूलर का आवाज़ एकदम मस्त भन भन वाला आ रहा है, तो मतलब लाइट नहीं गया है, लाइट आ रखा है। और इसको पहले अरे भाई यहाँ पे बहुत गंदा जर की देता है, मतलब यहाँ का चढ़ाव ही गजब कर देखो एकदम यूँ गड्ढा वाला। उतारते टाइम तो फर्स्ट टाइम कोई उतारेगा वो गिरेगा ही गिरेगा। बस जो आज का ब्लॉग है तो ये सेम डे ब्लॉग होने जा रहा है, मतलब आज ही ब्लॉग मैंने करा और सेम डे अपलोड आप लोग के पास मिल गया। तो बताना कैसा लगा वीडियो, और मेरा पूरा जो कॉलेज का डे लाइफ था, जो भी कॉलेज में मैंने करा, फिर सुबह से लेकर शाम तक, और अप्रॉक्स 5 बज ही गया है तो शाम हो ही गया। तो ब्लॉग को एंड करते इसी टाइम पे करना है, तो आप लोग बस इसे सपोर्ट करते रहो और अपना प्यार बनाए रखना और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।